हेलो दोस्तों, मैं हेमांशा सिनेवन होम थिएटर से दोस्तों। और आज एक मैं अपना थिएटर का रिव्यू कर रहा हूँ, जो ये पूरा मैंने प्लानिंग, डिजाइनिंग और एग्जीक्यूट किया हुआ है दोस्तों। अंत तक देखिए, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसमें होम थिएटर कैसे प्लान करना है, कैसे डिजाइन करना है, क्या सिस्टम होना चाहिए और क्या बजट में आप कर सकते हैं, तो ये पूरी जानकारी आज इस वीडियो में होने वाली है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही शानदार हमने यहाँ पे सूरत में एक थिएटर बनाया है, जिसके रूम साइज अराउंड 12 फीट बाय 21 फीट का है। और सीलिंग हाइट अप्रोक्सीमेटली 9 फीट की है। तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले थिएटर में जैसे तीन चीज होती है मेन, अपना ऑडियो सिस्टम प्रोजेक्शन, दूसरा होता है आपका इंटीरियर अकोस्टिक ट्रीटमेंट, और तीसरा होता है आपका सीटिंग, जो कंफर्ट लेवल है। तो इस तीन चीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंटीरियर और अकोस्टिक से। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ वॉल पे हमने अकोस्टिक ट्रीटमेंट किया हुआ है, फ्लूटेड पैनल्स रखी हुई है। सो मैंने यहाँ पे प्लेन और फ्लूटेड 2x2 की पैनल की हुई है। पूरा ये फ्रेमवर्क पे किया है और बहुत ही बढ़िया इसका फील और लुक आ रहा है। आप देख सकते हैं, इसमें जिगजैग पैटर्न में हमने ये फ्लूटेड पैनल, प्लेन पैनल का पूरा एक थीम दिया हुआ है। ये पिकॉक ब्लू कलर में है। इसमें अराउंड 8 से 10 शेड आपको मिल जाएंगे, जिसमें हम आप थीम कर सकते हैं। वुडन और फ्लूटेड ये वेलवेट फिनिश फोम पैनल्स हैं, इस पैनल में हम कर सकते हैं। ये पूरी वॉल हमने इस तरह से डिजाइन की हुई है, आप देख सकते हैं। मेरी लेफ्ट वॉल, राइट वॉल और बैक वॉल में मैंने इस तरह से पूरा डिजाइन किया हुआ है। और सीलिंग की बात करें तो मैंने ये पूरी फैब्रिक में, स्ट्रेच फैब्रिक में की हुई है। इसमें वी ग्रूविंग किया हुआ है और फैब्रिक इसमें यूज किया हुआ है। अगेन इसमें पूरा प्लाई का फ्रेमिंग हुआ है, इसी सीलिंग के अंदर इनफिल किया है। और इनफिल के बाद इसमें मैंने फिनिश इसको फैब्रिक से किया हुआ है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लाइटिंग एलिमेंट का है। तो लाइटिंग एलिमेंट डिजाइन के टाइम पे हमने खास इसका ध्यान दिया है कि लाइट्स वॉल को फ्लश नहीं कर रही है, वॉल्स को वॉश नहीं कर रही है। लाइटिंग इस तरह से दी हुई है कि ऑडियंस जब यहाँ बैठे हैं तो उनके टास्क, वो जब काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, जब मैं काम कर रहा हूँ तो लाइट मेरे हाथ में है, ना कि वॉल को वॉश कर रही है, और मेरे एकदम सर पे, आंख पे नहीं आ रही है, मेरे इसी एरिया में लाइट आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट है लाइटिंग डिजाइन करने का। दूसरी चीज और एक बताता हूँ, इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, अगर मैं यहाँ बैक रूम में भी बैठा हूँ तो आप देख सकते हैं, मेरे फेस पे लाइट नहीं आ रही है, मेरे आंखों पे लाइट नहीं आ रही है, हाँ, पर मेरे हाथ में लाइट है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है लाइटिंग डिजाइन का, लाइटिंग पोजीशन का, जो इस थिएटर में हमने यूज किया है। सो सिनेवन होम थिएटर्स आपको एकॉस्टिक ट्रीटमेंट में पूरा लाइटिंग सोल्यूशन, वॉल और सीलिंग के डिजाइन, लुक एलिमेंट आप देख सकते हैं। इधर इंटीरियर एलिमेंट में पीछे हमने सोफा दिया है, आगे के साइड में हमने इसमें सोफा कम लॉन्जर दिया है, या लॉन्ज पोजीशन में है, आप इसको सोफा भी कर सकते हैं। सो ये दोनों इसमें अरेंजमेंट है, आप लंबे होके आराम से लेट के इसमें मूवी भी देख सकते हैं। ये दोस्तों था आपका होम थिएटर का इंटीरियर लाइटिंग एंड सिटिंग सोल्यूशन। फ्लोर में हम कारपेट या वुडन फ्लोरिंग कर सकते हैं। इस थिएटर में एक हमें कॉलम बीच में नड़ रहा था, जो अगेन अब 2x1 का कॉलम था, तो हमने इसमें ब्लैक मैट कारपेट कर दिए, ताकि इसको जब मूवी मोड में है तब ये एक्चुअली कॉलम दिखता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन था, तो इसको भी हमने अच्छे से इसको हैंडल किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये कॉलम टेक्निकली अगर लाइट्स ऑफ है, मूवी ऑन है, तो ये विजिबल नहीं होता है। तो शानदार अकोस्टिक हुआ है, ज्यादा इसका कोई कॉस्टिंग नहीं है, बहुत इकोनॉमिकल है। यदि आप अपने घर में होम थिएटर करना चाहते हैं और इस टाइप का एक्सक्लूसिव कुछ इंटीरियर प्लानिंग करना चाहते हैं एकॉस्टिक के साथ, तो सिनेवन होम थिएटर्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब ऑडियो, जी हाँ, ये पूरा 360 देख रहे हैं, ये पूरा मेरा अकोस्टिक ट्रीटमेंट किया हुआ है वॉल पैनलिंग के साथ। तो इस टाइप का सोल्यूशन करने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सीलिंग देख रहे हैं, सीलिंग में पूरा फैब्रिक फिनिश किया हुआ है। आप थिएटर में दिखेंगे, कहीं भी स्पीकर्स बाहर नहीं आ रहे, पूरा इंटीरियर के साथ फ्लश्ड है, मैच हो गया है। तो इस टाइप का प्रोफेशनल प्लानिंग डिजाइनिंग हम करते हैं। अब दोस्तों ऑडियो की बात करें और प्रोजेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे हमने 120 इंच की स्क्रीन ली हुई है।
ये 120 इंच की स्क्रीन है और मेरे स्पीकर्स इस स्क्रीन के पीछे में है, जो अभी इस स्लाइड में मैं एक ऐड करूंगा कि इसके पीछे के स्पीकर इस तरह से दिख रहे हैं। तो ये पूरी अकॉस्टिक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, यानी साउंड इस वॉल के थ्रू आ रहा है, स्क्रीन के थ्रू आ रहा है। और सराउंड की बात करें तो इनवॉल्व सराउंड स्पीकर्स हैं, वो भी 6 इंच थ्री वे है। सो बेसिकली ये 6 इंच थ्री वे है, केवलर कार्बन फाइबर कॉन है, एकदम डिटेल में ये साउंड देता है। और सीलिंग में हमने टू वे अगेन येलो केवलर कार्बन, और ये आप देख सकते हैं पूरी मैट ब्लैक फिनिश में अवेलेबल है। हमारे यहाँ काफी इंटीरियर मैचिंग के साथ थीम अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने पूरा ब्लैक एलिमेंट यूज किया है, तो जो मेरे स्पीकर्स की ग्रिल और पूरा सीलिंग स्पीकर्स पूरा मैट है, तो ये इंटीरियर के साथ पूरा मैच हो जाता है और ये विजिबल नहीं, जो ये पूरे सिस्टम को बहुत ही वेल कंट्रोल्ड इसमें यूज कर रहे हैं। प्रोजेक्टर मैंने 4K कंपैटिबल फुल HD प्रोजेक्टर है, जो नियर आपका 4K रेजोल्यूशन दे रहा है। प्रोजेक्टर बहुत ही शानदार है, इसका रिव्यू बहुत अच्छे हैं, तो ये भी मैं रेकमेंड करूंगा अगर कम बजट है और अच्छा प्रोजेक्टर चाहिए तो BenQ का ये 4K कंपैटिबल फुल HD प्रोजेक्टर है, जिसका मॉडल नंबर है 685TH, वो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा। सो दोस्तों ये है पूरा सिस्टम। क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन था बिफोर दिवाली, तो हमने ये 12 से 15 दिन में पूरा थिएटर बना के दिया हुआ है फ्रॉम जीरो। सो प्लानिंग डिजाइनिंग एग्जीक्यूशन के साथ आप देख सकते हैं ये फ्लूटेड पैनल है, अभी बहुत ट्रेंड में है ये फ्लूटेड पैनल्स का कंसेप्ट, अभी हर एक चीज में ग्लास, फ्लूटेड ग्लास, फ्लूटेड वुडन फिनिश। तो हमने यहाँ पे फोम पैनल फिनिश यूज की हुई है अकॉस्टिक में, कंसील इनवॉल्व स्पीकर यूज किए हैं। सो इस टाइप का थिएटर अगर आप प्लान कर रहे हैं, अभी मैं आपको कुछ ऑडियो क्लिप्स सुना रहा हूँ, देखिए आपको कैसे इफेक्ट आ रही है, फिर हम अगर आप इस तरह के थिएटर की प्लानिंग डिजाइनिंग और एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक चीज और खास मैं बताना चाहता हूँ, ये पिकॉक ब्लू कलर के साथ ये येलो कलर के जो अपने सोफा का मटेरियल फिनिश है वो भी कॉन्ट्रास्ट में है विद अ डार्क ब्राउन फ्लोर, उसके साथ ये वेल मर्ज हो रहा है, तो जो ये कॉन्ट्रास्ट भी है एकदम उसको काबिले तारीफ है। सीलिंग भी क्रीम कलर में लिया हुआ है, तो ये पूरा दोनों एक दूसरे के साथ वेल जेल हो रहा है। सो ऑड इवन नहीं लगता है, इस तरह से कोई आता है तो वेले ही उसके माइंड में फिनिशिंग आती है, देखते हैं तो वाव फील आता है। सो दोस्तों देखो, अब मैं एकदम आराम से एंजॉय करके रिलैक्स होके ये मूवी देख रहा हूँ। हमें गड़बड़ साफ दिख रही है, तो और मूवी विद्रोही की पहचान हो गई है। माफ कीजिएगा मोहतरमा, टाइम लोगिंग अथॉरिटी की ओर से समय रेखा में छेड़छाड़ करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हाथ ऊपर, तुम हमारे साथ चलोगे। आखिरी मौका विद्रोही। आज वैसे ही एवेंजर्स ने नाक में दम कर दिया था और अब हमारे सब्र का कोटा पूरा हो गया है, तो बुरा मत मानना, पर आखिरी मौका हम तुम्हें देते हैं। अब हट जाओ हमारे रास्ते से। इसे कहते हैं स्लो मोशन मक्का। वीडियो को आपको देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा। थैंक यू वंस अगेन, हेमांग शाह फ्रॉम सिनेवन होम थिएटर। थैंक यू।